रघुवर मन चै सीता सती मन उनके संग गए Oh, my God.
लक्ष्मण, सीता बहुत ही प्यासी है, मुझे दूर दूर तक कोई झरना या नदी नहीं दिखती है। अब तुम जाओ और जल की खोज करो, हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। शीघ्र जाओ लक्ष्मण, आओ सीते। माता प्यासी है, हे खगो, हे वृक्षो, कोई तो बताओ मुझे, जल कहाँ है, झरना कहाँ है? जल बिना माता बहुत दुखी है, बहुत प्यासी है, व्याकुल सी है, कोई तो बताओ। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे जल प्राप्ति का सुख पाने दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम वरुण देवाय नमः। बस अब बहुत हुआ, याचक पंकज करी याचना, तो वरुण देव भी हैर उठे, है आम तुम्हें इस लक्ष्मण की, जो तरह से जलधारा फूटे, चढ़ा है पार थलवे पर, चढ़ा है पार थलवे पर, ओ चल कहाँ छिपता है, निकलो गंगा की धार, अब मेरा पार आता है। स्वामी, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा, उसके अंतर्गत भरत माताओं सहित वन में पधार रहे हैं। यह तो बड़े हर्ष का विषय है, मेरा भरत मेरे पास आ रहा है। हाँ स्वामी, लक्ष्मण सुना तुमने, सीता ने स्वप्न देखा है कि मेरा भरत मेरे पास आ रहा है। प्रभो प्रणाम, प्रभो प्रणाम। महाराज, एक गुप्त खबरों से पता चला है, भरत शत्रुघ्न और एक बहुत बड़ी सेना लेकर इसी तरफ आ रहा है, और मैं घबरा कर भागे भागे आपके पास आया हूँ यह खबर देने कि भरत इस तरफ को पूरी सेना के साथ आ रहा है। सुना तुमने सीते, तुम्हारा स्वप्न सत्य हो गया है, मेरा भरत आ रहा है। लक्ष्मण, मेरा भरत आ रहा है। भैया, मेरे विचार से तो भरत सेना सहित अगर आ रहा है तो वह हमसे युद्ध करने आ रहा है। वाह, ये राजभर कितना प्रबल है, जिसने भरत भाई की बुद्धि ही पलट दी। हे नाथ, शीघ्र आज्ञा दीजिए,
उस भाई को समझूंगा मैं, अन्याय चाप पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो रघुकुल का क्षत्रिय हूं मैं, घर में उसे सुलाऊं मैं, जो रघुवीर का पैरी है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड विद्याचल चाहे पलट जाए, तूफान समुद्र से चढ़कर आकाश से चाहे टकरा जाए, शंकर भी आकर सहाय करे तो शंकर ही साक्षी है, रण में उसे सुलाऊं मैं, जो रघुराई का बैरी है। भैया लक्ष्मण, तुम सत्य कहते हो, राज मद कितना प्रबल मद है, परंतु भैया लक्ष्मण, भाई भरत को ब्रह्मा और शंकर का पद मिल जाने के बाद ही मद कदापि नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ भैया लक्ष्मण। भैया हर समय आप रोकते रहे मुझे, पर इस समय ना टोकना मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय ना रोकना मुझे। भैया मैं लड़ सकता हूँ, अवश्य लड़ सकता हूँ, जब तक भरत धर्मवान तब तक हम उसे दबा ना सकते थे, मैं क्या 100 लाख। नहीं भैया, तुम शांत हो जाओ, भरत ऐसा कदापि नहीं कर सकता, उस जैसा लायक भाई तो ना कभी हुआ ना कभी हो सकता है। फिर मान ले वह बदल गया, चाहता रखना मेल नहीं, तो उससे और उसकी सेना से जय माना कोई खेल नहीं। लक्ष्मण तुम अकेले और एक धनुष तुम पर किस प्रकार सन्मुख कर सकते हो, उस चतुरंगी सेना वाले राजा से तुम किस प्रकार लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ भैया, जब तक भरत का धर्मवान तब तक हम उसे खबर ना सकते थे, पर आज अगर भी हुआ भरत, इसलिए एक बार ही मेरा काफी है। शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, पर भरत इस योग्य नहीं, उचित अनुचित को सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। मेरा प्यारा भाई आ रहा है, मुझे प्राणों से भी प्रिय है। ना तुमने, ये मेरे भरत की आवाज है, मेरा भरत मुझसे मिलने आ रहा है। हेलो भैया भरत, भागते हुए भैया भरत, सीधा पैरों में भागते हुए भैया भरत, भैया
माता केकई के चरणों में आपका प्रणाम स्वीकार। प्रणाम माता। माता कौशल्या के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम माता। सुमंत जी प्रणाम। मुनिदेव को माता प्रणाम। प्रणाम भरत। माता इस भरत की वजह से। हे राघव, तुम्हारे शोक में राजा का स्वर्गवास हो गया है। सत्य नहीं हो सकता। नहीं भरत, कहो कह दो यह सत्य है, कह दो यह सत्य है भरत। सब आगे राम को अकेला छोड़कर कहां चले गए पिताजी। मैं भगा राम आखिरी समय आपके दर्शन भी ना पा सका। मैं कितना भागा हूँ भैया भरत, मैं कितना भागा हूँ। तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो भरत, जो अंतिम समय पिताजी की सेवा में रहे। मैं कितना भागा हूँ भैया, मैं भागा भरत। अंतिम समय में पिताजी की सेवा में न था। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है, चार चार पुत्रों के होने के बाद भी अंतिम समय में एक भी पुत्र आपके साथ न रह सका। हाय पिताश्री, हाय पिताश्री। विपद सब एकदम दारी करता ने, विपद सब एकदम दारी, विपद सब एकदम कैसे जीऊंगा था। हमको पिता को स्वर्ग पर हमको
मुझसे माता श्री को ऐसी श्वेत वस्त्रों में नहीं देखा जाता। हे विधाता, पिताश्री को अपने चरणों में स्थान देना। विधिनाथी जा